राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ताजी हरे मटर की दाल, और जैसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से पहले बनाया जाता था वैसे ही बनेगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जैसे मम्मी दादी नानी बनाया करती थी। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे हरे मटर की दाल बनाने के लिए। तो जब पहले ज़माने में बनता था दाल, मम्मी या दादी जो भी बनाती थी तो इसी मसाला का यूज करती थी, लेकिन ये मिक्सी जार में पीसा जाएगा, पहले सिलवट्टे पे पीसा जाता था। तो यहाँ पे मैंने हरे लहसुन का पत्ता लिया हुआ है, इसे काट के डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो डाले, नहीं है तो स्किप कर दे, आप जो गट्ठा वाला आता है लहसुन वो डाल ले। और यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्ची लिया है, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ले, और गट्ठा वाला भी लहसुन हम डाल देंगे तो बहुत कम डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें पत्ता भी डाला है लहसुन का। तो ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया थोड़ा सा, इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनेगी दाल, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हरी मसाले का यूज होगा ज़्यादा। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे काट के। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था, वॉश करके डाला है सब कुछ। और यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिया हुआ है, क्योंकि दाल में खट्टापन रहता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम सिर्फ 1 ही टमाटर को इसमें पीसेंगे मसाले के साथ, तो 1 टमाटर को हम काट के डाल देंगे इसमें। बाकी के जो 2 टमाटर है उसे हम बाद में यूज करेंगे काट के, उससे बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी में टेस्ट आता है, गाढ़ापन आता है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, हल्का सा दरदरा रहने दें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाले को हमने पीस लिया हुआ है, ये हल्का सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं पीसा है इसे। तो पहले जब हरे मटर की दाल बनती थी तो सिलवट्टे पे पीसा जाता था, लेकिन अभी सिलवट्टे पे इसे हम नहीं पीसेंगे, हमारे पास नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसे मिक्सी जार में भी नहीं पीसेंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से दाल बन रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मटर को एक बर्तन में रख लेंगे, और इस तरीके का लोहे का एक ले लेते हैं, जो आपके पास अदरक कूटने वाला होता है, ये सबके घर में मिल जाता है, तो आप इसे ले लें और हल्का हल्का इस पर मारे, नहीं तो बर्तन खराब हो जाएगा। तो इसे आप बर्तन में कूट लें, या फिर जिसमें अदरक वगैरह कूटा जाता है उसमें कूट लें। तो इस तरीके से देखिए, ये बारीक हो जाएगा। जब हम मिक्सी जार में पीसते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है, जो हम इसे हाथों से कूट के बनाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा ये। ये देखिए, इस तरीके का होना चाहिए, दरदरा सा। तो हरे मटर की दाल यहाँ पे मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्ट आता है मटर की दाल बनाने से। तो यहाँ पे हमने तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, अब इसमें हम डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए बराबर भून लेना है। तो बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, हल्का सा इसे सौटे करना है, तो बहुत ज़्यादा इसे ना भूने। तो हल्का सा प्याज जब भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो जो हमने 2 टमाटर बचा के रखा था वो इसमें काट के डाल देंगे, और हमने 1 पीस के भी रखा है मसाले में, इससे बहुत ही अच्छा सा खट्टापन सा टेस्ट आता है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे कवर करके और गला लेंगे बीच बीच में चलाते हुए। तो टमाटर भी हमारा भून चुका है, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लिया है, टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो मसाले पीस के रखे थे वो। दाल को टेस्टी बनाने के लिए जब धनिया और जो हरी लहसुन होती है उसे डाल के पीसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही इन्हेंस होके आता है टेस्ट। तो अब इसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे, जो टेस्ट हरे मसालों को डालने से आता है वो खड़े मसाले को आप अगर डालते हैं, गरम मसाला वगैरह, उससे नहीं आता है। तो आप हरे मसाले का ही यूज करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये हरा ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे
थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मसाले यूज नहीं करने हैं क्योंकि हमने इसमें हरे मसाले डाले हैं, उसका ही फ्लेवर काफ़ी है। अब इसमें हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और आप चाहें तो इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए मसाले के अंदर। तो 2 मिनट हो चुका है, ये देखिए तेल भी सेपरेट हो रखा है, मसाले से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये भून चुका है मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने हरे मटर को कूट के रखा है वो। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये हरे मटर की दाल आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं रेसिपी डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे देखिए मटर को डालने के बाद हल्का सा हम पानी डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि इसको कवर करके मटर को भी हमें 1-2 मिनट तक भूनना है। तो मटर भी हमारा भून चुका है, मैंने इसे बराबर चलाते हुए भून लिया है 1-2 मिनट के लिए। अब बारी है इसमें पानी डालने का, तो मैंने यहाँ पे छोटे कटोरी से 3 कटोरी पानी डाला हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको दाल कितनी गाढ़ी रखनी है या पतली रखना है, उसी अकॉर्डिंग आप पानी डालें। अब पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का लीड लगा लेंगे और इसमें एक विसल आने देंगे। लीड लगाने के बाद क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है। तो इसमें एक विसल आ चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडा होगा तभी खोलेंगे, पहले ही ना खोलें। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम लीड को हटा लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा सा कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ है दाल। अब इसमें हम थोड़ा सा और भी चीज़ ऐड करेंगे, तो लास्ट में हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला थोड़ा सा, ताकि और भी अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। हमने पहले भी थोड़ा सा डाला हुआ था लेकिन लास्ट में डालने से और भी अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दाल गर्म है तो इसमें गरम मसाला और धनिया अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ करके इसमें तड़का देंगे, क्योंकि तड़का देने से और भी ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस हो के आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमें तड़के में क्या क्या डालना है। तो गैस को ऑन कर लेंगे और तड़का की तैयारी कर लेंगे, जिसमें भी आप तड़का देना चाहते हैं वो रख लीजिए। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत कम भी ना डालें और बहुत ज़्यादा भी ना डालें। तो ये देखिए हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जीरा, आप चाहे तो तेल की जगह पे घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बारीक कटा हुआ इसमें हम डाल देंगे लहसुन और इसे हल्का सा रेड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची डाला है, हरी मिर्ची की जगह पे आप लाल मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, आप हींग जरूर डालें, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। तो बस तड़का तैयार है, आप दाल में डाल के मिक्स कर लीजिए। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स, जब मैंने तड़का डाल के और मिक्स किया था उस टाइम का मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया हुआ है। बस दाल में जो हमने मिक्स किया था तड़का वो दिखाना भूल गई थी, बाकी जो हमने तड़का डाला था वो तो आपने देखा ही था। तो अगर ये मेरी हरे मटर की दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।